हाय करो बुआ। ये भगवान गुस्सा रौद्र रूप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज मैं सुबह सुबह चली हूँ नेरवा को, और वो भी घर में पापा मम्मी को नहीं पता, उनको सरप्राइज। चुपके से कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगी मैं, इसलिए पापा मम्मी के कल फोन गई थी, मैंने दिखी नहीं मेरे को, मैं अब करूँगी नहीं बात, घर में जाके करूँगी। चलो अंकुश आ रहे मुझे नीचे तक छोड़ने बस स्टैंड तक। तो मुझे बस मिल चुकी है और भैया मुझे छोड़ के चले गए। हम सेंच पहुंच चुके हैं और मम्मा कॉल कर रहे हैं, कॉल्स पे कॉल, बट मैं उठा नहीं रही। मैं सब थोड़ा ही देर और फिर देखते हैं कैसे करूँ क्या करूँ। मम्मा तो बेकरी में हो गए, तो देखती हूँ कैसे करती हूँ मैनेज, कैसे उनको सरप्राइज दूँ। फ़ोन पे फ़ोन आते जा रहे हैं, पहले बड़े मम्मी, आज दीदी, छोटे मम्मी की इतनी कॉल्स आ रही थी ना, फिर अभी दीदी की, फिर मैंने दीदी की से बात करी है, तो मम्मी मेरा वेट, मतलब उनको पता नहीं है कि मैं आ रही हूँ कि नहीं, पता नहीं क्या होगा। अब जाके पता करती हूँ। पापा ने भी, पापा से हुई बात, वो बोलते क्यों नहीं आई तू, मैं कहा ऐसे नहीं आई, गालियाँ खा रही हूँ मैं। अब जाके मिलती हूँ। मैं पहुँच चुकी हूँ नेरवा, बस पुल पे पहुँच गई मैं नेरवा के, और कोई भी नहीं है क्योंकि एक तो संडे भी है ना आज। और चलो फटाफट भाई, पापा बोलते क्यों नहीं आई वो सब, मैं कहा ऐसी नहीं आई, फिर मैं क्या करती हूँ बाद में कॉल, मेरे को ऐसे लग रहा है शायद पापा को शक तो हो गया क्योंकि पापा हंस रहे थे जब मैंने ऐसे बोला, मैं क्या करती हूँ बाद में कॉल। तो यहाँ तो शायद छोटे मम्मी हो गए, पापा पता नहीं कहाँ हो गए। चलती हूँ आपको भी दिखाती हूँ आगे घर का। ओ जी मेरा घर, पहुँच गई मैं अपने घर के पास। यार गाइस, मैं सब पोपट हो गया, मेरा ना समझ नहीं आया क्या यार, मम्मी को सरप्राइज देने चली थी मैं, बाहर से आ रही हूँ मजे से, और मम्मी पीछे शॉप में, उन्होंने देख लिया और पीछे से आवाज देते हेलो हेलो आ रही हूँ मैं, मैं सोचा था चुपके से आओगी उनके पास, तो वो उल्टा आएगी। फिर मम्मा ने जाना है बेकरी और मैं जाऊँगी ऊपर। अच्छा, मैं आपको ना आज किसी से मिलाने वाली हूँ, बहुत टाइम बाद मिल रही हूँ मैं अभी आज उस शख्स से। कौन है वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, चैनल पे बने रहो आगे तक, ठीक है। मैं तब तक थोड़ा रेस्ट करती जब तक मम्मी आते हैं, फिर मिलते हैं। नमस्ते, मैं देखू मैं आपका सरप्राइज, तभी नीचे करी थी मैं का सरप्राइज दूंगी, गुड़िये दुख रहा है खाना खा नहीं जब मम्मी वो सो गई हुई, मैं का तो बन से छोड़ दे मैं का, हे नी तो बेजे बंटी जाए छूट कुछ की आई तैयार रखू अपनी बेटी की तारीफ है। तो मैं छूट के जी तो इतनी छाती ठीक करवा रखे। अच्छा जी, मैं पहुंचते ही किचन में और मम्मा कर रहे हैं खाना। मैं रास्ते में ना अकेले, जैसे मैंने पहले भी बोला है ब्लॉग्स में, मेरे को अच्छा नहीं लगता अकेले खाना उतर के, तो फिर मैंने खाया नहीं, अब खा रही हूँ। वैसे मैं आई थी सोलन से खा के, तो अब चलो फिर करते हैं खान पान अपनी पेट पूजा। हेलो हेलो, दूध पिला रही इसको। तो जी मैं बोल रही थी इससे मिलाने की बात कर रही थी, तो अभी ये सोआ है, ये है अक्षत हमारा न्यू मेंबर घर का। ऐसे भाभी ने हाथ जला दिया तो मैं उनके लिए गई थी ट्यूब लाने, और यहाँ पे कौशु कहाँ गया, वैसे कौशु की हालत देखो। क्या बोला था तुम्हार को है, या आज यूज नहीं करना ना, कल के लिए रखो, फिर कल किसके साथ खेलोगे, हाँ बस ऐसे ही खेलो। ये आते ही वही ये ले लो मेरे को। यहाँ भी नीचे लड़के होली खेल रहे, तो इन बच्चों को पोत के पोत रहे। चलो चलिए ऊपर, इसमें जा रही हूँ अभी मम्मी को छोड़ने, और भाभी और बेबी, बेबी सो गया है कैसे, हाँ बस और फिर अब मैं यहाँ होने वाली हूँ भाभी के साथ। हाँ जी कैसे, अच्छा दरवाजा ये कैसे, हाँ जी मैं और मम्मी चल पड़े, और मैंने सोचा था कि पापा को सरप्राइज दूंगी, मेरे को लग रहा दे पाऊंगी,
बाकी तो मेरे को वैसे क्लियर है भी नहीं कि पापा को पता है कि नहीं। और दूसरा क्या कर रहे हैं मम्मी, और दूसरा कि मैं पता नहीं पापा से मिल ही नहीं पाऊंगी, फिर तो पापा को पता चल जाएगा कि मम्मी क्यों ऊपर है, क्योंकि मैं आ गई यहाँ भाभी के पास के लिए। तो चलो पापा आ गए। ये रिएक्शन तो कैच ही नहीं हुआ यार। ओ यार, मैंने पापा का रिएक्शन कैच किया। मैं सोची हूँ यार, पिछले होटल में काका के साथ भेजी थी मैं इनको, पर पापा का टर्न करो। अब जाती हूँ नीचे यार जी। हम भी अभी अभी ऊपर आए, मैं कहीं यहाँ पे बैठते हैं तब तक। अरे मैं वो तभी वहां पे जाके सरप्राइज दूंगी, नमस्ते, तभी बुलाया आपको मैंने नीचे। मैं बोलते पाचन में को नहीं, पापा को बुलाओ नीचे। और चले, मैं तो इधर ही यहाँ की वो गिरा ली हूँ अब। तो फिर पार का नहीं, क्या सोचा था और क्या हो गया, ज्यादा बात भी जो गाड़ियाँ आ गई थी फिर। और तो यहाँ है, मैं कहाँ यहाँ रह रही हूँ। तो अब पापा चले गए, मैं चली अब वापस पार, भैया का वेट करना ही नहीं पड़ा। तो इस कौशु को चैन नहीं, अभी तक मैं घर भी पहुंच गई और ये कहीं देखो कैसा भीगा हुआ है। चले अब ऊपर खा ले मम्मी से थोड़ी डांट, चल। तो भैया को थोड़ी भी पढ़नी मार, तो तुम्हारे को पढ़नी। होली है ये और शिनोय के साथ। चलो जी बैठते हैं हम अब यहाँ थोड़ी देर। जी तो कौशु को नहला दिया है, वो भी मैंने इसको हमने होली के लिए अभी तैयार कर दिया कि अभी ये गंदा तो हुआ ही था, इसको नहला धुला के अब कल के लिए भी पहना दिया। बट यार कल का हमारा सब है, जरा हम कैसे खेलेंगे। हाँ ना, तो हम खड में जाया करते थे। मैं अब नहला रही हूँ बेबी को, और आज फर्स्ट टाइम मैं इतना छोटा बेबी नहला रही हूँ। अभी एक महीने का हो गया पिछले कल। एक महीने का हो गया पूरा, पहली बार नहला रही होती है छोटे बच्चे को, तो वो तो हम नहीं दिखाए गए अभी। तो अब इसके बाद मिलते हैं आपसे। मैं ना डिनर डुनर बनाने आई थी नीचे, मम्मी ने बना लिया था, सिर्फ चपाती बनानी थी। तो अब हम डिनर वगैरह करके फारिक, और अब मेरी जो शामत आई है ना, आपको दिखाती रहो। देखो बर्तन देख रहे हो, पूरे टाइम की कसर एक पानी में निकल जाएगी मेरी। अब धोती हूँ बर्तन, बस बर्तन ही बहुत है, फिर उसके बाद थोड़ी सी सफाई कर लूँगी। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।